हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सबको जैमसी की। आइए हम आज की एक और नई वीडियो को देखते हैं और मैं आप लोगों का विशाल रमदासिया चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि अब जो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं पास्टर अंकुर यूसुफ नोरा जी, वो ऑस्ट्रेलिया में क्रूसेड करने के लिए गए थे और उन्होंने वहाँ पर 2 दिन क्रूसेड किया। और आपको पता भी होगा जिन लोगों ने संडे की मीटिंग अटेंड की होगी, उस मीटिंग में भी हमारे स्पिरिचुअल फादर जो पास्टर अंकुर यूसुफ नोरा जी, उन्होंने बताया था कि वो सिर्फ क्रूसेड करने के लिए वहाँ पर बाहर फॉरेन में नहीं जाते, उनके और भी कई स्पिरिचुअल काम हैं, स्पिरिचुअल उन्होंने काम करने होते हैं, जो कि उन्होंने कई लोगों से मिलना होता है, राजनीतिक गवर्नमेंट से कई लोगों से उन्हें परमेश्वर के कामों के लिए लोग चर्चेस के लिए उनके साथ मीटिंग करनी होती है और कई काम और होते हैं जो उन्होंने बाहर फॉरेन में जाकर करने होते हैं। सिर्फ एक क्रूसेड के लिए वो बाहर नहीं जाते, और भी कई काम है जो बाहर जाके फॉरेन में जाकर वो करते हैं। और अब आप देख सकते हैं जो कि स्क्रीन में आप फोटोज में भी देख रहे हैं, तस्वीरों में भी देख रहे हैं, और हमारी मीडिया टीम ने जो कि अंकुर नोरा मिनिस्ट्री का ऑफिशियल पेज है, उन्होंने भी हमारे साथ शेयर किया। मैं आप लोगों को वो पढ़कर सुनाती हूँ कि पेज के द्वारा हमारे साथ क्या शेयर किया गया। पेज में लिखा है कि आज मैन ऑफ गॉड प्रेरित अंकुर यूसुफ नोरा जी और डॉक्टर जगविंदर सिंह विर्क, जो व्यापार और निवेश के एक मजबूत पृष्ठभूमि के साथ एक प्रेरणादायक समुदाय के नेता हैं, और सर बर्नार्ड मालिक जो एक राष्ट्रपति दूत और राजनीतिज्ञ हैं और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, उनकी दानशीलता और मानवतावादी कार्यों के कारण दुनिया और ऑस्ट्रेलिया में एक मजबूत ईसाई धर्म के साथ एक भारतीय राजनीतिक काउंसिल बिल्डिंगस्टर चैटिपली ऑस्ट्रेलिया के 28वें प्रधानमंत्री एमआर टोनी एबट के कार्यालय में निजी तौर पर मिलते हैं, जिसमें प्रेरित अंकुर नोरा जी ने उनके साथ ईसाई धर्म को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की। ईसाई धर्म के मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ व्यापारिक रूप में चर्चा की गई और उन्होंने सभी मुद्दों को अच्छी तरह से सुना और चर्चा की। प्रधानमंत्री ने प्रेरित अंकुर यूसुफ नोरा जी को और उनकी टीम के सभी सदस्यों का गर्म जोशी में स्वागत किया और भारत में ईसाइयों के लिए उसके समर्थक का आश्रण दिया। पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट, जिनके मन में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी बहुत सम्मान है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद जय मसीह की, सशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आप लोगों ने सुना होगा कि जो कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ हमारे जो कि स्पिरिचुअल फादर है पास्टर अंकुर यूसुफ नोरा जी ने मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने परमेश्वर की बातें की और क्रिश्चियन धर्म के बारे में बहुत सारी उनके साथ उनकी बातें हुई और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को बहुत ज़्यादा अच्छा धर्म कहा और बहुत ज़्यादा आनंदित, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ इस धर्म की बातें सुनकर, इस धर्म को जब मेरे साथ कोई इस धर्म की बातें करते तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। और उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल फादर के साथ इस टॉपिक पर बहुत सारी बातें की और उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल फादर, उनकी टीम का और उनके पूरी टीम जो उनके साथ थी, उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे स्पिरिचुअल फादर को सम्मान मिला और आदर और महिमा परमेश्वर के नाम को दी गई। हालेलुया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर के दास जो कि परमेश्वर के चुने हुए यज्ञ होते हैं, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा, अगर तुम मेरे दासों का सम्मान करोगे तो परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करता है, अगर हम परमेश्वर के दासों की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमारी महिमा करते हैं। हालेलुया। इसी को चलते हुए ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने परमेश्वर के दास जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नोरा जी का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, स्वागत किया, उनका सम्मान किया और उनके साथ क्रिश्चियनिटी को लेकर, मसीह लोगों को लेकर बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, चर्चेस को लेकर, कलीसिया को लेकर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। और आप ये फोटोज वगैरह, ये जो भी टाइपिंग जो मैंने आपको पढ़कर कही है, ये अंकुर नोरा मिनिस्ट्री के ऑफिशियल पेज पर भी जाकर देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित और बरकत दे। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।
की आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आनंदित रहें, खुश रहें, परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहें। गॉड ब्लेस यू।